नमस्कार दोस्तों, द मास्टर प्रकाश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। रस का परिचय हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके थे, रस का परिचय। आगे हम लोग आज देखते हैं रस के आगे का स्थाई भाव। स्थाई भाव कितना होते हैं तो भरत मुनि के अनुसार आपके 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 8 प्रकार के स्थाई भाव माने जाते हैं। कौन कौन से? रति, हास, शोक, रौद्र, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय। तो ये आप ये कुछ इस तरीके से भी पूछ सकता है कि कौन सा स्थाई भाव है और कौन सा रस है। तो देखिएगा, श्रृंगार का स्थाई भाव क्या होता है? रति होता है। आगे देखेंगे, करुण रस का स्थाई भाव शोक होता है। इसको ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग और बढ़िया बेहतरीन ढंग से तैयारी कर लीजिएगा। अद्भुत का विस्मय, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, हास्य का हास, आगे भयानक का भय, बीभत्स का घृणा और नौ शांत का निर्वेद, वात्सल्य का आपका स्नेह होता है, भक्ति का क्या होगा? अनुराग होगा। तो ये आपके 11 रस हुए और 11 रस के 11 स्थाई भाव। तो पहला ये आपका श्रृंगार है। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, देख लीजिएगा, ये है आपका श्रृंगार रस। श्रृंगार का मतलब क्या होता है कि जहाँ नायक नायिका, ये आपका नायक लिखा, जहाँ नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन का परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। परिपक्व इसलिए कहा गया कि पूरा मैच्योरिटी, उसमें श्रृंगार रस का सारे लक्षण हो। श्रृंगार रस के भेद कितने होते हैं भैया? तो श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। और इसको और डिटेल से पढ़ने के लिए आपको पहला जरूर पढ़ना होगा, पहला जो इसके पहले वाली वीडियो है, इसको आप अगर देख लेंगे भैया, हम कह रहे अनुभव, विचारी भाव, संचारी भाव, आपका कुछ भी नहीं भूलने वाला, तो आप वो जरूर देखिएगा वो वीडियो। एक बार देख लीजिएगा, एक बार स्पीड हाई करके देख लीजिएगा, वो सब समझ में आप लोगों के आ जाएगा। तो संयोग श्रृंगार, संयोग माने होता है मिलना, और श्रृंगार में मिलता कौन है? तो नायक नायिका, समझ रहे हैं ना? या उस स्थान पर होता है जहाँ नायक नायिका की मिलन का वर्णन होता है। जैसे बतरस लालच लाल के मुरली धरी लुकाए, शौह करे भौहन से देन कहे नट जाए। बात समझ रहे हैं? संयोग रस मतलब क्या कहते हैं कि जो गोपियां हैं किससे बतलाना चाह रही हैं? कृष्ण भगवान से बतलाना चाह रही हैं। तो कह रही हैं बतरस माने बतलाने की, लालच माने लालच में मुरली को छिपा लें, और सौगंध खाती हैं लेकिन छिपाई है, इसलिए उनकी भौहें हंस रही हैं। तो देन कहा नट जाए, नाटक कर रही हैं कि हम देंगे नहीं, हमारे पास है ही नहीं तो हम कहाँ से देंगे। तो अब समझ लीजिएगा इसमें नायिका कौन है? गोपियां हैं, नायक कौन है? श्री कृष्ण भगवान। और क्या करने के लालच कर रही हैं? मतलब बतलाने के लालच है उनमें कि अगर हम श्री कृष्ण भगवान की बांसुरी दे देंगे तो हम बतलाएंगे कैसे। अगला देखिएगा, इतना उधार जितना दिया जा रहा है, अगर भैया ईमानदारी से आप लोग याद करते हैं तो चाहे आप जो पेपर देते हों, चाहे अपर लेवल का हो चाहे लो लेवल का हो, अगर उसमें रस आता है तो गारंटी है कि रस यहीं से ही पूछा जाएगा, जान लीजिए आप लोग। 2 देखेंगे, अधिक स्नेह देह भय भोरी, सरस्वती जन चित चकोरी, मतलब इतना स्नेह हुआ कहाँ? देह में, शरीर में, कि भई भोरी जैसे भोर हुई। तो शरद ससिह जो चंद्रमा की, सर्दी ऋतु की चंद्रमा होती है, उसको जैसे चितव चकोरी, जो चकोरी पक्षी होती है देखती है, उसी प्रकार कोई प्रेमिका है जो अपने प्रेमी को देखने लगती है। आप बताइएगा, गर्मी का चंद्रमा अच्छा लगता है, सर्दी का चंद्रमा नहीं। क्यों? क्योंकि सर्दी में कोई बाहर निकलता नहीं, लेकिन जो प्रेम वगैरह करते हैं वो तो चाहे गर्मी हो चाहे बर्फ पड़े, स्विट्जरलैंड में भी चले जाएंगे, देखाएंगे चंद्रमा को। आगे देखेंगे भैया, कुल मिला के आपको ये पढ़ना है, 2-3 बार अगर इस वीडियो को देख लेते तो आपका सारा उदाहरण कंप्लीट हो जाएगा। देखेंगे तीसरा, निघरत जानकी कंचन के नग की पर अछाई, या ते सबय सुध भूले गई करटे कि रही पल टारत नहीं। आगे समझ रहे हैं फिर से, निघरत जानकी कंचन के नग की पर अछाई, या ते सबय सुध भूल गई करटे कि रही पल टारत नहीं। दिघारत जानकी जी, श्री राम जी खड़े होंगे तो सामने से देख नहीं पा रहे हैं, तो अपने नग में देख रही हैं कि श्री राम जी क्या कर रहे हैं, और इतना देख रही हैं या सबे सब भूल गई और एक पल टारती नहीं है।
उसी नग में देखे जा रही हैं किसको, श्री राम जी। और श्री राम जी बगल कहीं खड़े होंगे तभी तो उनके नग में देख रहे हैं। और जहाँ इस प्रकार के आए वहाँ आप श्रृंगार रस लगाइएगा। वियोग का मतलब होता है, ये भी नायक नायिका से ही संबंधित होता है लेकिन इससे मिलन नहीं होता। जैसे नायक नायिका का परस्पर प्रबल प्रेम हो लेकिन मिलन न हो, वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। जैसे देखिएगा, उधव मन न भये दस बीस, उधव मन न भये दस बीस, एक हुतो सो गए श्याम संको और आधे शीश। मतलब उधव जिसे कह रहे हैं कि हे उधव मेरे 10-20 मन नहीं हुए। कौन कह रही है? गोपियां कह रही हैं। श्री कृष्ण भगवान भेजे थे कि जाओ तुम गोपियों को समझाओ, तो गोपियां दूर हुई कि नहीं कृष्ण से? जब दूर हुई तो वियोग श्रृंगार रस हुआ। अब बात देखिए, कह रहे हैं कि उधव मेरे मन 10-20 नहीं हुए, एक मेरे पास मन था वो भी श्याम के साथ चला गया, तो कौन सा मन अवराधे शीश, ईश्वर की कौन सी आराधना करें हम लोग। अगला देखिएगा दूसरा, तो ये आप याद कर लीजिएगा, एक दो बार पढ़ते हैं इतना बेहतरीन समझा जा रहा, आपको वैसे याद हो जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं। इंद्री शिथिल भई सबही माधव बिन जथा देह बिन शीश, तो इंद्रिया शिथिल हो गई है जैसे माधव के बिना, और देह बिन शीश जिसे शरीर नहीं रहती, तो बिन शीश के शरीर का कोई मतलब, अगर शीश है ये और ये कट जाए तो कोई मतलब है? इसका नहीं मतलब है। अगला देखिएगा, दर्द की मारी बन बन डोलू, वैद मिला नहीं कोई, मीरा के प्रभुर मिटे जब वैद संभलिया होई। तो आप समझिएगा कि दर्द के मारे बन बन भटक रही हैं, किस लिए? सिर्फ संभलिया के लिए, तो संभलिया इनके दर्द की दवा है। और यहाँ है क्या, इसमें नायक नायिका इकट्ठा नहीं है, अलग अलग है, इसीलिए यहाँ कौन सा रस है? तो आपका कौन सा है? वियोग। देखत उतार तो बसंत सुहावा प्रियाहीन मोहिगुर उपजावा। ध्यान से देखिएगा, एक भाई दूसरे भाई से कह रहे हैं कि जब मैं बसंत ऋतु को देख रहा हूँ तो प्रिया की हीनता मुझे महसूस हो रही है, मेरे हृदय में से उबाल मार रही कि आज सीता जी होती तो हम भी उनके साथ टहलते। आगे देखेंगे करुण रस, कौन सा रस? करुण रस। करुण रस का मतलब क्या होता है कि जहाँ दुख की बात आए। करुण और वियोग में इतना अंतर है कि करुण में जो होता है मृत्यु होती है या फिर मरण हो जाता है, और या चिर विरह होता है, ना मिलने की भी आशा नहीं रहती। देखिएगा, किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह अथवा मरण से उत्पन्न होने वाली शोक आदि भाव के परिपक्व को करुण रस कहते हैं। जैसे उदाहरण, अब देखिएगा, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, मतलब अभी अभी सर पे सेहरा बांधे थे, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन सोने का पोल। तो मतलब लाज के बोल भी नहीं खुले और वो स्वर्ग सिधार गए थे। यहाँ कौन सा हो जाएगा भैया? करुण रस हो जाएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पहचानेंगे कैसे? तो पहचानेंगे, आप देखिएगा, हा वृद्धा, अब हाय वाय जहाँ आएगा वहाँ आप करुण रस देखते ही लगा दीजिए कि इसमें करुण रस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। हा वृद्धा के अतुल धन, हा वृद्धता के सहारे, हा प्राणों के परम प्रिय, हा एक मेरे दुलारे। तो हा हा की वजह से यहाँ कौन सा रस है? हाय हाय जहाँ रहेगा वहाँ आपका करुण रस, मतलब दुख में ही तो आदमी हाय हाय करता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, ये उदाहरण 3, शोक विकल, ये कई बार पूछा गया है। शोक विकल सब रूम हिरानी, रूप सील बल तेज बखानी, करह विलाप अनेक प्रकारा, परह भूमि तल बारह बारह। मतलब शोक विकल, शोक से दुखी होकर, विकल माने व्याकुल होकर, सब रानियां रो रही हैं, और कैसे रो रही हैं? रूप सील बल तेज सबका बखान करके और अनेक प्रकार के विलाप करके, और परह भूम तल बार बार, और बार बार इतना विलाप कर रही हैं, इतना विलाप कर रही हैं कि बार बार भूम पर भी गिर जा रही हैं। और जब बार बार भूम पर गिर रही हैं वहाँ दुख के मारे, तो कौन सा है? करुण रस। अगला देखेंगे उदाहरण 5, यथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फन करिवर करहीना, अम अम जीवन बंधु बिनु तो ही जो जड़ देव जियावे मोही। यह सब आप पढ़ लीजिएगा। 4, अगला कुछ 5 है, तात ता हा हा आया, हा आए तुरंत आप करुण रस लगा दीजिएगा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, चलन देखो पावे तो ही, तात न रामे सांपे उर्मोही। 6 देखेंगे, राम राम कही राम, कही राम राम कही राम, तन परिहत रघुपति विरह। विरह है कि नहीं है? जहाँ विरह आएगा वहाँ कौन सा करुण रस?
कौन सा रस भैया? करुण रस। आगे देखेंगे हम लोग हास्य रस। हास्य रस का मतलब होता है हंसना। क्या होता है हंसना? जब हम किसी के आकार को देख ले, आकार वो भी बिगड़ा हुआ आकार, जैसे जैसे पीके मूवी में वो पहन रहा, वो आमिर खान पहन लिया था लहंगा और ऊपर दूसरा एक जेंट्स कपड़ा था, एक लेडीज कपड़ा, तो उसके आकार को देखकर हंसी आ रही थी ना, तो वही मतलब किसी को जोकर वोकर जो बनाया जाता है उसको, उसके आकार को बिगाड़ दिया जाता है, उसके बाणी जो होती है बाणी में होता है विकार, बाणी बोलता है तुरंत हंसी आ जाती है। देश चेष्टा आदि के वर्णन से उत्पन्न हास्य की परिपक्व अवस्था को क्या कहते हैं? हास्य रस। पहला उदाहरण देखिएगा आप लोग, नाना वाहन नाना भेषा भिंसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू बिन पद कर कूट बहु पद बाहु। देखिएगा नाना प्रकार के वाहन है, नाना प्रकार के भेष हैं, अब भिंसे शिव समाज ने देखा, अब हंस रहे हैं किसको देखकर? सब शिव समाज को देखकर, जुड़ रहा शिव के बराती आए थे उनको। को मुखहीन, कोई मुखहीन था और कोई बड़ा बड़ा मुख वाला था, कोई बिना पैर के था, कोई क्योंकि एक पैर था तो किसी के बारह बारह पंद्रह पंद्रह पैर था, इस तरीके के व्यक्ति कोई देखेगा तो हंसी आएगी कि नहीं? जब हंसी आई भैया तो आपका कौन सा रस? हास्य रस। अगला देखिएगा भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सबका अर्थ जान लेंगे ना तो वैसे भी आपको रट जाएगा एक दो बार, लेकिन जरूर वीडियो देखिएगा, जब एक दो बार देख लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। बिंद के वाती उदासी तपोवत धारी न महाबिनु नारी दुखारे गौतम दिए तरी तुलसी सुखा था सुनि भय मुनि बृंद सुखा वही है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद पंजुल कंज तिहारे की नि भला रघुनायक जो करना कर काना न को पग उधारे। इसमें क्या है कि बिंद के वासी उदास थे, उदास इसलिए थे कि उनको नारी नहीं मिल रही थी शादी के लिए, तो जब नारी नहीं मिली तो वो लोग तपोव्रत धारण कर लिए। तो जब गौतम की पत्नी को जब श्री राम जी आए तारे तो सब मुनि बृंद सुखारे, सब मुनि खुश हो गए कि अब हुई हैं शिला सब चंद्रमुखी, अब सभी शिलाएं चंद्रमुखी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि परसे पद मंजुल कंज तिहारे, आपके चरण जरूर सबको छुएंगे और जब छुएंगे तो जितनी भी चट्टाने हैं सब स्त्री बन जाएंगी, जब स्त्री बन जाएंगी तो हम लोग काहे तपोव्रत धारण करेंगे, शादी करके अपना गृहस्थ आश्रम देखेंगे। अगला देखेंगे, जहीं दिस बैठी नारद फूली सो दिस तहीं बिलोक बिलोकी भूली। मतलब ये देखिएगा नारद फूली, ये आप पढ़ लीजिएगा इसको, लखन कहाँ हसी हमरे जाना सुनो देव सब धनुष समाना का छति लाभ जन धन तोरे देखा राम। ये देखा है, ये रेखा नहीं है, देखा राम नयन के सोरे बिहस लखन बोले वृद्वानी अहो मुनीस महाभरियानी पुनि पुनि हुए मोई देखावत कुहारू चाहत उड़ावन फूंक। मतलब इस तरीके से मैं तुमको उड़ा दूंगा, ऐसे फूंक दूंगा तो तुम उड़ जाओगे, ये सब बातें। अगला देखिएगा, हाथी जैसा देह कंडे जैसी चाल तरबूज जैसी खोपड़ी खरबूज जैसे गाल। मतलब हाथी जैसे किसी का शरीर हो, चाल गांडे जैसी हो, इसे फुदक फुदक के चलता हो, तरबूज जैसी खोपड़ी खरबूज जैसे गाल, तो वहां आपको हंसी आएगी ना। ये आपका चौथा रस है, आपका अद्भुत रस। अद्भुत का मतलब अगर आप शब्दों का अर्थ जान गए तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। अद्भुत रस इसे कहते हैं। अद्भुत का मतलब होता है भैया आश्चर्य। क्या होता है आश्चर्य? आश्चर्य जैसे वर्णन उत्पन्न विस्मय भाव की परिपक्व अवस्था को अद्भुत रस कहते हैं। जैसे लक्ष्मी थी या दुर्गा, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के बाद। जब वो तलवार चलाने लगे, कौन? लक्ष्मी बाई चलाने लगे, तो पता ही न चले कि कौन है, लक्ष्मी थी या दुर्गा, वा पता न चले कि लक्ष्मी जी हैं कि दुर्गा हैं, और क्या स्वयं वीरता की अवतार या स्वयं किसी वीरता ने अवतार ले लिया हो, और देख मराठे, यही देखकर मराठे खूब खुश हो जाते थे। क्या उसकी तलवारों के वार्तवाश्य नहीं होगा इस तरीके से भी कोई आए और लाठी वाठी ऐसे घुमाने लगे, लाठी ऐसे घुमाने लगे, लगे कि तो पंखा चल रहा हवाई जहाज वाला, तो आपको विस्मय होगा कि नहीं होगा? होगा, नहीं होगा समझ लीजिए आपके अंदर विस्मय वाला स्थाई भाव ही नहीं है। पद पाताल शीश सजे धामा अपर लोक अंग अंग विश्राम त्रिकुट विलास भयंकर काला नयन दिवाकर कच धनमाला। आगे देखें, देख यशोदा शिश को मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी है चेतन हिल न सकी को मलकाया। ये कृष्ण भगवान मिट्टी खाए थे, उनके मुंह को कहा खोलो तुम मिट्टी खा के आए हो।
जब खोले नहीं खोले तो मुंह दबा के देखिए यशोदा जी शिशु के मुख में, और जब मुख खोली तो देखी सकल विश्व की माया देखी, और जब देखी कि पूरा ब्रह्मांड उसके मुख में दिखाई दे रहा है तो वह अचेतन हो गई और कोमल काया उसकी हिल नहीं सकी। जहां आपको कुछ घटनाएं दिखे और घटनाएं दिखने के बाद आप आश्चर्यचकित हो जाएं तो वहां कौन सा रस लगाएंगे आप, तो वहां आप विस्मय रस लगाएंगे, अद्भुत रस लगाएंगे। ये आपका वीर रस है, वीर रस आपको अगली वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए आराम से।